नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
गीत हमारे गूंजे सुबह शाम, हम गीतों के सौदागर हैं यही हमारा काम। न सोना न चांदी, गीतों से हमको प्यार। न सोना न चांदी, गीतों से हमको प्यार। गोरों की नकालती अगर तुझे जी भर के कर ले प्यार। जीना है दिन चार यहाँ खुश होके जी ले यार, करना है कुछ अगर तुझे जी भर के कर ले प्यार। क्या तेरा क्या मेरा, भुला दे मेरे यार। क्या तेरा क्या मेरा, भुला दे मेरे यार। गोरों की नकालती बेटे। राजू भैया की गिटार क्यों उठा लाए? उनकी अम्मा बहुत बीमार है, हमें गिटार देकर अपने गांव चले गए और कह गए थे भाभी से कहना फिक्र न करे, किसी चीज की जरूरत हो तो हमें खत लिखते। अरे पता तो दिया ही नहीं। कोई बात नहीं, मुझे मालूम है उनका पता। तुम्हारे पिताजी भी तो उसी गांव के थे। माँ पिताजी क्या काम करते थे? वो और तुम्हारे राजू चाचा साथ साथ गाया करते थे। और अनिल, तुम्हारे पिताजी चाहते थे कि तुम्हें बहुत बड़ा कलाकार बनो। मैं जरूर बनूंगा माँ, मैं अपने पिताजी की इच्छा जरूर पूरी करूंगा। अच्छा अब हाथ मुंह धोले और खाना खा ले। खाना खा के हाथ मुंह धोएंगे, बड़ी जोर की भूख लगी है। पर माँ हम अकेले काम पर कैसे जाएंगे? अकेले क्यों, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। खाता क्यों नहीं? तू तो जानती है माँ हम तेरे हाथ से ही खाना खाते हैं। तुम तो बहुत अच्छा गाते हो। हाँ मेरे बाबा बोले थे दिल से गाना गले से मत गाना। तुम बजाती हो ये? हाँ बजाओ जरा। तुम गाओगे ना? हाँ। तुम्हारा ये गाना मुझे भी याद हो गया है, चलो शुरू करें। 1 2 3 हंसती क्यों? तुम्हें बजाना आता है नहीं? गिटार खरीद लेने से बजाना थोड़ी आ जाता है। इधर ला, यहाँ नहीं अंदर चल के आओ। Thank you.
bastard! What are you doing? You idiot! Get out! Stop! Bingo! Bastard! You shush! Sam, lay off, Sam. गाना तो तेरा अब मैं सुनूंगा हराम साजी। देखो सेठ, गाली मत दो। हम तुम्हारी छोकरी के आगे। Shut up! सपाल रहा था स्वर्ग का बच्चा। छोड़ दे माँ। को इतना मारो कि इस घर का क्या शहर का रास्ता पूछे। छोड़ दीजिए, अरे छोड़ दो, मेरे बच्चे को बताइए, मार डालेंगे उसे। आप ठीक वक्त पर आ गए इंस्पेक्टर, ये लड़का गिटार चुरा कर भाग रहा है। मेरा बेटा चोर नहीं है इंस्पेक्टर। चुप रहो इंस्पेक्टर, इन सड़क छाप लोगों की वजह से जीना मुश्किल हो गया है। आप ले जाइए इसे, मैं किसी और को भेजता हूँ आपके पीछे पीछे एफआईआर लिखवाने के लिए। गिटार मैंने चुराया है इंस्पेक्टर साहब, गरीब बच्चा है, इसे अच्छा लगा, मुझसे रहा नहीं गया, मुझे ले जाइए। हवलदार, बच्चे से गिटार ले लो। तू घर से बच्चे मैं नहीं ले जाने दूंगा अपनी माँ को। इंस्पेक्टर साहब, ये सब झूठ है, मेरी माँ चोर नहीं है इंस्पेक्टर साहब, मैं भी चोर नहीं हूँ इंस्पेक्टर साहब, ये सब झूठ है। ये रोटी तेरे वास्ते मैंने अपने हाथों से बनाया माँ। माँ ले खा। घबराने की कोई जरूरत नहीं माँ, हम जेल के बाहर ही बैठे हैं। हमने फैसला भी कर लिया है कि हम जल्दी बड़े हो जाएंगे और इस पंगले वाले सेठ को छोड़ेंगे नहीं। अरे देखो देखो, दो चोर आ रहे हैं। तो किसी बड़ी चीज पे हाथ मारना था। चुप रहो, मेरी माँ चोर नहीं है। तो ससुराल किसी ने गई थी। नहीं, मानने वाले का हाथ पकड़ सकते हैं, बोलने वाले की जुबान नहीं। पर माँ, माँ तूने कोई चोरी नहीं की। तू तो जानता है ना, बस फिर क्या है, बोलने दो ने, हम ये शहर ही छोड़कर चले जाएंगे। Hey!
यंग मैन, तुम बहुत लकी है। हम जब से पैदा हुआ है हमारा फर्स्ट मैरिज है। शादी मुबारक हो। थैंक यू, थैंक यू। 100 rupees। एंड आई इंट्रोड्यूस माय सेल्फ, आई एम हिज अंकल। थैंक यू, नाइस मीटिंग। कम ऑन चिल्ड्रन, नो हस्बैंड, कम। यस। टा 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 रा 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 टा रा 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 रा। ये ले, ये ले। दिल छोटा मत कर यार, 100 रुपया तो मिला। जिस दिन कुछ बन जाऊंगा ना, सबको माला माल कर दूंगा। चल। इतना बड़ा हो गया है लेकिन माँ के हाथ से खाता है, शर्म नहीं आती? अपने हाथ से खाने में तुम्हारे हाथ का मजा जो नहीं आता। माँ, जिस दिन मैं दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन जाऊंगा ना, और हमारा वही बेदर्द शहर मुझे सम्मान देगा, उस दिन पार्टी में तुम्हारे हाथ से खाना खाऊंगा। और उस दिन उस बेदर्द शहर को याद दिलाऊंगा कि मैं वही बच्चा हूं जिसके सामने तूने उसकी मां की तौहीन की थी। तो भूल क्यों नहीं जाता ये सब? भूल कैसे जाऊं, कभी नहीं भूल सकता। वो दिन तो मेरी आत्मा पर एक ताजा जख्म की तरह जिंदा है। उस दिन जब वो आदमी तुम्हारी बेइज्जती कर रहा था, उस दिन उस शहर की सड़कें, उसके पेड़ों की साए, उसकी धूप, किसी ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। उस शहर को तुम्हारी इज्जत करनी पड़ेगी। मां, मेरे पास मेरा म्यूजिक है, इस म्यूजिक को मैं तलवार की तरह तेज करूंगा और उस शहर के सीने में उतार दूंगा। हाय डैड। हाय बेटे। बस मैं चल दिया। कब तक लौटोगे? कुछ कह नहीं सकता, दरअसल यहाँ से पुणे जाऊंगा, फिर वहां से गोवा, और अगर मूड बन गया तो शो के बाद कुछ दिनों के लिए वहां रुक भी जाऊंगा। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू डैड। बाय बाय बाय।
दुनिया दीवानी लगे, इतनी सुहानी लगे, करती जवानी बैग बैग। गाँव में की न कोई सबकी कहानी लगे, याद ही पुरानी बैग बैग। सारी फिजा नचे नचे, सारा जहां नचे नचे, सारे हंसी नचे नचे, सारे जवान नचे नचे। ओके दीवाना नाच, नाचे जमाना नाच, ओके दीवाना नाच ला। Sweet, 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 sweet. कोई यहाँ नचे नचे, कोई वहाँ नचे नचे, सारे हंसी नचे नचे, सारे जवान नचे नचे। तुमसे है तुमसे प्यार, मानो ना मेरे यार, तुमसे है तुमसे प्यार। Excuse me. Who is this bastard? Sam, मैं डेविड ब्राउन हूं, तुम्हारा मैनेजर। किसी के कमरे में आने से पहले दरवाजा खटखटाते हैं, ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। ग्रीन रूम और बेडरूम में क्या फर्क होता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। देखो, मैं तुम्हारा भाषण सुनने के मूड में नहीं हूं, काम बोलो और मुझे आराम करने दो। ओ हनी, ये काम से फुर्सत हो जाए तो तैयार हो जाओ, एयरपोर्ट जाना है, कल चंडीगढ़ में तुम्हारा शो है। तो हेल विद चंडीगढ़, जाइए, जाकर अपने बॉस से बातचीत करने का तरीका सीखिए। चंडीगढ़ को सैम का म्यूजिक चाहिए ना, तो कहिए कि सैम के पास आए। देखो सैम, इस लड़की से कहीं ज्यादा कीमती है तुम्हारी ऑडियंस, जो कल शाम को तुम्हारा इंतजार करेगी। तुम्हें चलना पड़ेगा, इट्स अ कमिटमेंट। और अगर मैं कहूं कि मेरा मूड नहीं है तो तुम क्या कर लोगे? तो मैं समझूंगा कि तुम्हारी बर्बादी के दिन आने वाले। सैम कभी बर्बाद नहीं हो सकता। सैम इज ग्रेट, यू नो, सैम इज अ म्यूजिक किंग, सैम इज अ स्टार। सैम लाखों लड़कियों की दिलों की धड़कन है। नाउ गेट आउट। तो फिर अपने लिए किसी दूसरे मैनेजर का बंदोबस्त कर लो। सुनो, तुम जैसे 36 मैनेजर सैम के एक डांस मोमेंट से टपकते हैं, लेकिन सैम जैसा स्टार 2-4 सदियों में एक बार पैदा होता है और 2-4 दिन में खत्म हो जाता है। Get out, you bastard! निकी, निकी। जी डैड। जरा बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ब्राउन, मिस्टर ब्राउन, तुमने सैम जैसे सुपरस्टार को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। मेरे शो का क्या होगा? मैं तबाह हो जाऊंगा। घबराइए नहीं। यस डैड, आपने मुझे बुलाया। मैंने सैम को छोड़ दिया है। डैड, ये तो आपका रोज का किस्सा है। ये रोज का किस्सा नहीं, आज की हकीकत है। वो टिन मैन, वो होक्स ऑफ अ डिस्को डांसर समझता है कि मैं एक सुपरस्टार का सेक्रेटरी भर हूं। मुझसे अलग होने के बाद उसे पता चलेगा कि मैं क्या हूं। मैं डिस्को के आसमान पे एक नया सुपरस्टार पैदा करूंगा और सैम उसकी रोशनी में डूब जाएगा। निकी, thank you.
मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, यू आर जस्ट फर्स्ट ग्रेड। लेकिन तुम सोच रहे होगे कि सैमी का मैनेजर पागल हो गया। वैसे मैं अब सैमी का मैनेजर नहीं हूँ, मेरी माँ। नमस्ते माँ, मिस्टर डेविड ब्राउन, आपके बेटे का मैनेजर। जी हाँ, आप बैठिए ना। बैठा हूँ माँ। ये गुलाम नबी हैं, अनिल का एक प्रोग्राम करना चाहते हैं। वैसे थोड़े घबराए हुए भी हैं, लेकिन मैंने इनसे कह दिया कि अगर शो में घाटा हुआ तो मैं पूरा करूंगा। इससे तो तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि मुझे तुम पर और तुम्हारे टैलेंट पर कितना भरोसा है। निकी आएगी ना? आएगी कैसे नहीं, वो मेरी बेटी है। हेलो। हेलो निकी, तुम अभी तक पहुंची क्यों नहीं? आई एम सॉरी डैड, मैं नहीं आ सकती। तुम्हें आना ही होगा, ये मेरी इज्जत का सवाल है। वो सैम। टू हेल विद सैम। निकी, निकी क्यों, क्या हुआ? सैम ने फोन काट दिया। अब क्या होगा? आप घबराइए नहीं, शो होगा। आई विल डू इट। हे, क्या सोच रही हो? यही कि शो में क्या हो रहा होगा। मैं बताऊं? मेरी बहन रीटा अपनी सहेलियों के साथ अपने खूबसूरत सैंडल्स उस नए आर्टिस्ट पर बरसाने के लिए तैयार खड़ी होगी। फ्रेंड्स, मैं डेविड ब्राउन आज इस ख्याल की खुशी से फूला नहीं समा रहा कि मैं एक ऐसे अजीम फनकार, महान कलाकार, ग्रेट आर्टिस्ट को आपसे मिलाने का काम कर रहा हूं। There he is. Come, sing and conquer. Sarak Chapko! 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 Start! अभी फेंकिए, जोड़ी पूरी हो जाएगी। Oh.
लिए आया हूँ मैं तेरे लिए, जरा मुड़के मिला आंखें, आया हूँ मैं तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, हे ओ आ आ ओ आ। Thank you.
क्या चाहते हो? देख रहा हूं तुम खूबसूरत तो हो, लेकिन इस खूबसूरती में नजाकत कम और घमंड ज्यादा है, शायद थोड़ा दिमाग भी, और उस दिमाग से पैसे की बदबू आती है। मैं खूबसूरत हूँ और मुझे अपनी खूबसूरती पर नाज है। अगर मेरे दिमाग से पैसे की बदबू आती है तो मेरा बाप एक करोड़पति है, और तुम क्या हो? एक सड़क छाप गवैया, डांसर। सड़क छाप गवैया और डांसर, कल रात तुम जोर जोर से यही कहकर चिख रहे थे ना। सुनो बेबी, या जो भी तुम्हारा नाम है, मैं उसी का जवाब देने आया हूँ। तुम्हारे बाप जैसे एक अमीर आदमी ने मेरी कला को सड़कों के हवाले कर दिया था। गोवा के एक एक फुटपाथ से मैंने सुर सीखे हैं, एक एक सड़क से मैंने ताल सीखी है, और कल रात तुमने मेरे बरसों की मेहनत और उम्मीदों पर पानी फेरने की कोशिश की, लेकिन मेरी माँ के आशीर्वाद ने मुझे कामयाब किया। और आज मैं उसी माँ की कसम खाकर कहता हूँ कि एक दिन मैं इस काबिल बनकर दिखाऊंगा जिस दिन तुम इस सड़क छप कवैया से ऑटोग्राफ मांगने होगे, कागज पर नहीं, इन होंठों पर। और पता नहीं उस दिन मैं तुम्हें ऑटोग्राफ दूंगा या नहीं। माय पुत, जी हाँ, पैसे मिल गए, थैंक यू। अच्छा बख्शी साहब, कल बंबई की 3 सीट्स बुक करवा दीजिए। जी हाँ, इसे एक बार बंबई पहुंच लेने दीजिए, हर चीज पर इसका नाम होगा। जिमी आइसक्रीम, जिमी चॉकलेट, जिमी फैब्रिक्स, जिमी टी शर्ट, जिमी ये, जिमी वो। कौन सी चाय पीता है, कौन सी क्रीम लगाता है, उसे कौन सा रंग पसंद है और कौन सा रंग ना पसंद है। नहीं ब्राउन साहब, मैं अनिल को बंबई नहीं जाने दूंगी। नहीं माँ, बॉम्बे जाएंगे, उस शहर को मेरे बचपन का उधार चुकाना है। ब्राउन साहब, हम बॉम्बे जाएंगे। दुश्मन का घर है। आपको कैसे मालूम? सैमी ओब्रॉय, द ओनली बास्टर्ड सन ऑफ अ वेल्दी फादर। हेलो, हाय सैम, हू स्पीकिंग? जिमी इज मैनेजर। कुछ म्यूजिक की आवाजें आ रही हैं, शो की तैयारी हो रही होगी। बास्टर्ड! अपने को मत थकाओ, क्योंकि तुम्हारा होने वाला प्रोग्राम मैंने खरीद लिया है, और डेविड ब्राउन के किसी प्रोग्राम में तुम जैसा थर्ड ग्रेड आदमी हिस्सा नहीं ले सकता। उस प्रोग्राम में तुम्हारी जगह जिमी हिस्सा लेगा, समझे? यू ब्लडी सन ऑफ अ गन, मैं तुम पर अपनी इज्जत और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस कर दूंगा। जरूर करना, लेकिन जब तुम हतक इज्जत का दावा करोगे तो मेरा वकील तुमसे पूछेगा कि कैसी इज्जत। अब रही ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात, उस कॉन्ट्रैक्ट को मैं ऑनर करूंगा, तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। यू कैन डू दिस टू मी, यू कैन डू दिस टू मी, आई एम अ सुपरस्टार, आई एम अ सुपरस्टार। सी यू, सी यू। गॉड, डेविड ब्राउन, तुम मुझे तबाह करना चाहते हो? मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं तुम्हारे उस आर्टिस्ट को भी देख लूंगा। मिस्टर एल्बर्ट। यस सर। मैं बास्को से मिलना चाहता हूं फौरन। तुम फिक्र मत करो सेठ, इतने पैसे में तो हम उस छोकरे को और उसके परिवार को छुट्टी कर देगा। नहीं नहीं नहीं, तुम सिर्फ इतना करो कि वो आज इस शो में ना आए। अपन को वादा नहीं सेठ, पर आपका काम हो जाएगा।
आशीर्वाद दो माँ, बम्बई में आज मेरा पहला शो है। जीते रहो बेटे, मुझे तो इसी दिन का इंतजार था। जा, भगवान तेरी और तेरे संगीत की रक्षा करे। क्या हुआ साहब? गाड़ी खराब हो गया। अरे मेरा शो है, मुझे जल्दी पहुंचना है। आप दूसरा गाड़ी ले लो साहब। क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए मेरे पास कुछ है नहीं, मैं बहुत गरीब हूं। अपन जानते हैं तुम कड़का है बिड़ू। फिर मुझे जाने दीजिए। तुम नहीं जा सकते। लेकिन क्यों? क्यों का जवाब चाहते हो? देखिए आपको गलत फहमी हुई है, मेरी जिंदगी का पहला शो है, मुझे जाने दीजिए। आप समझते क्यों नहीं, मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। इस साले को इतना मारो कि सुबह तक होश ना आए। नहीं! अनिल को गए हुए काफी देर हो गई। डेविड साहब यहां तो नहीं पहुंचा? अगर वक्त पर नहीं पहुंचा तो सब किए किराए पर पानी फिर जाएगा। Ah!
हे कृष्णा, मेरे बेटे की रक्षा कर। Krishna,
आप जिंदगी से और क्या चाहते हैं? मैं पहले भी जिंदगी से अपनी माँ की खुशियों के सिवा और कुछ नहीं चाहता था, और आज भी मैं जिंदगी से अपनी माँ की खुशियों के सिवा कुछ नहीं चाहता हूँ। अब रहा माँ की खुशियों का सवाल, ये आप माँ से पूछ लीजिए। माँ जी जरा सर उठाइए, बोलो ना माँ। माँ इस बात के सिवा और चाह भी क्या सकती है, जब तक चांद और सूरज निकलते रहे ये ऐसे ही गाता रहे और दुनिया झूमती रहे। मत करो सैम, चढ़ती नहीं है यार। आखिर उसके गाने में ऐसा क्या है जो मेरे गाने में नहीं? He's a bloody street singer. हाय डैड। हाय बेटे, कैसी हो? अच्छी। मैं पूछता हूँ ये आदमी यहाँ क्यों आया है, किस लिए आया है? प्लीज सैम, मुझे तबाह करके मेरी तबाही का तमाशा देखने के लिए? ना, तुम्हें तबाह होना ही था। मैं अपनी बेटी से मिलने आया हूँ उसके घर। सैम, गेट आउट। आई एम सॉरी डैड, आई एम वेरी सॉरी डैड। म्यूजिक की दुनिया में सैम खत्म हो चुका है, कुछ ही दिन में लोग उसे भूल जाएंगे। नो, आई एम ग्रेट, आई एम स्टिल ग्रेट, ग्रेट, आई एम अ थिंग फॉरएवर, फॉरएवर। तुम्हारे पास अपनी भी एक जिंदगी हुआ करती थी, वो क्या हुई? देखो, अपने टैलेंट को इस कचरे के डिब्बे में मत फेंको, जिमी को ज्वाइन कर लो। Thank you.
बाय डैड। जीते रहो प्यारे, जीते रहो। याद है मैंने एक दिन कहा था जिस दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया ना, देखा तुम सब लोगों को माला माल कर दूंगा। ये ले। नहीं अबे लेना यार, ये ले ले, ये ले। आपन को नोट नहीं मांगता है क्यों? आपन तो उसी तरह तुम्हारे साथ बैठकर दारू पियेंगे दोस्त। नो दारू। नो दारू? आप तुम जिस मंजिल की तरफ जा रहे हो वहां पर स्कॉटिश स्कॉच है, देसी दारू का मजा भी चख लो उस्ताद, बाद में पता नहीं तुम्हारी किस्मत में हो या ना हो। ये बात नहीं है, देसी माल में ज्यादा झटके लगते हैं। झटके लगेंगे लटके, हम तो देसी पियेंगे। क्यों भाइयों? देसी पियेंगे। ठीक है, आज दारू ही पियेंगे, लेकिन वहाँ जहाँ से हम शुरू हुए थे। हाँ, चलो। अरे उधर नहीं, इधर। अरे वाह, देसी दारू अंग्रेजी कार। चलो, देसी दारू अंग्रेजी कार। लगाना झटका। गोवा से आया मेरा दोस्त, बॉम्बे वाले सलाम करो। गाना। गोवा से आया मेरा दोस्त, बॉम्बे वाले सलाम। ये वही बस्ती है जहाँ के लोगों ने मुझे और मेरी माँ को चोर कहकर निकाल दिया था। मैं चोर हूँ? मैं चोर नहीं हूँ, मेरी माँ भी चोर नहीं है। तो इन लोगों क्या हो गया इसको? मैं चोर नहीं हूँ, मेरी माँ चोर नहीं है, मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मेरी माँ चोर नहीं है, मेरी माँ चोर नहीं है। अरे जागो, मैं चोर नहीं हूँ, मेरी माँ चोर नहीं है, मेरी माँ चोर नहीं है, जिम्मी है मजदूर का लगा। हाँ मैं जिम्मी वही बच्चा हूँ जिसे तुम लोगों ने चोर कहकर इस बस्ती से निकाल दिया था। जिम्मी, जिम्मी बेटा, मैं रहीम चाचा बेटा, मैं रहीम चाचा। रहीम चाचा, तुम खुदा के बंदे हो ना, जरा तुम्हारे उस खुदा से पूछकर तो बताओ मैं चोर हूँ, मेरी माँ चोर है? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, वो तो एक देवी है बेटा, जिसने अपनी कुर्बानियों की सीढ़ी बनाकर तुम्हें तुम्हें कामयाबी की इस मंजिल तक पहुँचाया है बेटा, इस मंजिल तक पहुँचाया है। तुम ठीक कह तो रहे हो चाचा, वो देवी है। हाँ बेटा, बेटा हर इंसान को अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। तुम्हें और तुम्हारी वालदा को इन लोगों ने चोर कहके यहाँ से निकाला था ना, लेकिन आज ओब्राय के आदमी इन लोगों को यहाँ से निकाल रहे हैं। बेटा बेटा बेटा, न जाने कब यहाँ कयामत आ जाए बेटा, न जाने कब कब कयामत आ जाए। ओब्राय साहब, ये वही आदमी है, साला सात खून किया है लंदन में, और एक बहुत बड़ा सिंगर है, अपन को उसका नाम नहीं मालूम, उसका भी इसी ने खून किया है, साला टॉप का क्रिमिनल है,
इस साल का नेट प्रॉफिट 36,54,219 रुपए है सर, जिसमें से 6,00,000 पर ही इनकम टैक्स दिया जा रहा है। वेल डन। वो झोपड़पट्टी खाली कराने में हम लोग कामयाब नहीं हुए सर। क्यों? साठे जी स्वतंत्र एमएलए हैं, उनका पेट खराब है, कुछ खाते ही नहीं। उसने एक हंगामा खड़ा कर दिया है, ऐसे में पुलिस भी हमारी मदद कर नहीं सकती। व्हाट नॉनसेंस। अगर उस स्वतंत्र एमएलए की जीवन रेखा इतनी लंबी है तो बास्को किस मज की दवा है। ये झोपड़पट्टी 3 हफ्ते के अंदर अंदर खाली हो जानी चाहिए, समझे? किसने एक भी सामान को हाथ लगाया मैं उसका हाथ तोड़ दूंगा। सामान नीचे रख दो। तुम लोग रुक क्यों गए? सारा सामान बाहर फेंको और ये सब घर मिट्टी में मिला दो। इन घरों को मिट्टी में मिला देना इतना आसान नहीं। गरीबों के पसीने की एक एक बूंद में मिलकर ये मिट्टी अब पत्थर बन गई है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम वापस चले जाओ। मैं वापस जाने के लिए नहीं आया। लगता है प्यार की बोली तुम लोगों को समझ में नहीं आती। तुझे भैया बोल बोल बीएन ओबराय। जा कह दे रहा उसका पाप अभी बच्चा नहीं रहा, जवान हो गया। जा या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरा लाख लाख शुक्र है। सीता सीता बेटे जरा याद रखना परसों मेयर साहब के यहाँ पार्टी है, हमें वहां चलना है। बट डैड देयर आर नो बट्स डार्लिंग वी हैव टू गो। ओके ओके जी मैं जरूर आऊंगा। साथ में अपनी माता जी को भी लाइएगा। जी हाँ माँ को भी साथ लाऊंगा। बाय। मुझे कहाँ ले जा रहे हो बेटे? माँ मेयर साहब अपनी बेटी के बर्थडे पर एक पार्टी दे रहे हैं, तुम्हें भी बुलाया है। मैं पार्टी में क्या करूंगी? चलकर तो देखो इस बड़े शहर के बड़े बड़े लोग किस तरह तुम्हारे बेटे की चारों तरफ चक्का लगाते हैं सिर्फ एक तस्वीर खिंचाने के लिए। अच्छा चलोगे ना? वन टू थ्री फोर वन टू Thank you.
बिल्कुल मेरी माँ। नमस्ते माँ, मैं रोका हूँ, आइए। जिमी बास्टर्ड, उसने मेरे फैंस छीन लिए हैं, उसने मेरा फ्यूचर छीन लिया है। आई विल किल हिम, आई विल किल हिम। हैव करेज माय सन, हैव करेज। आइए। कम जिमी कम। जिम्मी आइए बहन जी, आइए। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी बेटी डाली की 18वीं सालगिरह पर आप लोगों को एक तोहफा पेश करता हूं। एन इवनिंग विथ योर फेवरेट स्टार मिस्टर जिम्मी, गिव हिम अ बिग हैंड। हाय जिम्मी। मिस्टर जिमी, आप रो रहे हैं? जी हाँ, आज मैं 18 साल के बाद रोया हूं, लेकिन यह आंसू और 18 साल पहले के आंसू में फर्क है। वो आंसू एक अनाथ लावारिस गरीब लड़के के थे, लेकिन आज का आंसू एक मशहूर तलतमंद कलाकार के हैं। आज के शाम के मेहमानों में वो आदमी भी है जिसने मुझे रुलाया था, मेरे बचपन, मेरी मां का अपमान किया था। आज उसे देखकर दिल का घाव खुल गया है, इसलिए इस पार्टी में मैं सिर्फ रो सकता हूं, गा नहीं सकता। आज मैं अपनी दोनों माँओं से आप लोगों की पहचान कराना चाहता हूं। एक माँ ये देवी है जिनका नाम राधा है, 18 साल अपनी आंखों की चौखट पे बैठी मेरे भविष्य के किशन की प्रतीक्षा करती रही। मेरी आवाज में जो दर्द है वो इनके दिल से मेरे दिल तक आया है। और मेरी दूसरी माँ इस शहर की सड़कों का जाल है, जिसकी गोद में मेरा बचपन खेला है। उन पर कड़कती धूप में मैं नंगे पांव चला हूं, लेकिन इस सड़कों ने मुझे कभी यह सवाल नहीं किया है कि लवर इस बेटे तू अपना खाना बंद कर। आज मैं बॉम्बे के मेयर के घर से बॉम्बे की उन मां जैसी मेहरबान सड़कों को सलाम करता हूं। डॉली खंडेलवाल, तुम्हारे 18वीं वर्षगांठ पर मैं अपने ये आंसू तुम्हें भेंट करता हूं। मिस्टर जिमी, प्लीज कर दीजिए फॉर मी, प्लीज। जिस दिन मैं दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन जाऊंगा ना, और हमारा वही बेदर्द शहर मुझे सम्मान देगा, उस दिन पार्टी में तुम्हारे हाथ से खाना खाऊंगा। अरे वाह, आज के जमाने में बेटा माँ के हाथ से खाना खा रहा है। डॉली, आज मैं अपनी माँ से क्या हुआ पुराना वादा पूरा कर रहा हूं। हेलो, मुझे नहीं मालूम था कि तुम वही हो। जी हाँ, मैं वही हूँ। वो गिटार अब भी मेरे पास है। कौन सा गिटार? जिमी, जिमी, आपसे मिलो मिस्टर पी एन ओबेरॉय, स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ मॉडर्न म्यूजिक। हेलो मिस्टर जिमी। जिमी, आई एम सॉरी मिस्टर मेयर,
जो हाथ कल मेरी मां के गाल पर थप्पड़ की तरह पड़ चुका है उस हाथ को मैं अपने हाथ में नहीं ले सकता। घबराओ नहीं मां, आज तुम किसी लावारिस बेटे की मां नहीं हो, ना ही आदमी भरी महफिल में तुम्हारे गाल पर थप्पड़ मार सकता है, ना ही चोरी के इल्जाम में जेल भिजवा सकता है, क्योंकि मेरे पैसों ने आज शराफत और इज्जत दोनों खरीद ली है और मैं आज इस शहर का बहुत शरीफ आदमी हूं। I'm sorry, Dolly, मैंने तुम्हारी पार्टी खराब कर दी। Say sorry to Mr. Roy. Dolly? Daddy, तुमने इस इंसान को पार्टी में बुलाकर मेरी सारी पार्टी खराब करवा दी। Dolly! मैं इस आदमी की जान ले लूंगी। माफी मांगना वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी। छोड़ दे। मैं छोड़ दे मुझे। अरे चल चल सॉरी मिस्टर ओब्राय पागल लड़की मैं इसको बदला लूंगी। चलो साफ कर लीजिएगा। ये खुशी के आंसू है बेटे, मैंने ही तो तुझसे कहा था कि उस अपमान को भूल जा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी था कि मैं उस अपमान को भूल चुकी थी। यही तो एक बोझ था मेरे दिल पर, आज तुमने वो बोझ भी हटा दिया है। अब मैं मर भी जाऊं ना तो खुशी से मरूंगी। इस शहर का कोई कर्ज नहीं है मुझ पर और ना ही शहर पर मेरा कोई कर्ज है। पीएम ओबेरॉय की ये बेइज्जती तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी, बहुत महंगी पड़ेगी। मेरे अंकल की पार्टी में मुझे मालूम हुआ कि तुम वही हो तो बरसों पहले तुम्हें मेरे घर में लगे जख्म अपने दर्द के साथ महसूस होने लगे। मैं सो भी ना सकी। जख्म तो भर जाते हैं लेकिन निशान रह जाते हैं। मैं वो सारे निशान अपने प्यार से मिटा दूंगी। जीना जीना मेरा जीना यहाँ
तेरे लिए जिंदगी लुटाऊं। तू जो नहीं क्या है यहां। मैं चलती हूँ। फिर कब मिलोगी? कल मिलते हैं। अरे कल तो बहुत दूर है भाई। कल का इंतजार करना सीखो। कल परसों नहीं आएगा, कल ही आएगा। बाय। रीता। हाँ? कल तक के इंतजार के लिए एक मीठी याद तो दे दीजिए। कहाँ से आ रही हो? बाहर से। किसके साथ थी? जिमी के साथ थी। तुम्हें अपने भाई के दुश्मन के साथ घूमते फिरते शर्म नहीं आती? ओ कम ऑन डैड, नंबर एक तो ये है, अगर शर्म आती तो उसके साथ जाती क्यों? और नंबर दो, वो सैम का दुश्मन नहीं, वो सैम से सुपीरियर डिस्को डांसर है। एंड यू नो आई एम अ लवर ऑफ डिस्को म्यूजिक, ही इज फैंटास्टिक। कभी आप उसे सुनिए तो, देखिए तो, ओ ही इज अ ड्रीम। शरीफ घर की लड़कियां अपने माँ बाप की इजाजत के बगैर ख्वाब तक नहीं देखती, जानती हो? वो तुम्हें एक सीढ़ी बनाकर मेरी इज्जत मेरी दौलत में शरीक होना चाहता है। किसी बेनाम बेखानदान लावारिस लड़के के साथ जो गंदी नाली और झोपड़ी में पला हो। मुझे मेरी बेटी का मिलना जुलना कतई पसंद नहीं, समझी? अगर रोना है तो अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके रो जाओ। और एक बात और सुन लो, आज के बाद तुम किसी जिमी उमी जैसे लोगों से नहीं मिलोगी, समझी? गेट आउट। हेलो जिमी। हाँ बोलो। मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती। लेकिन क्यों बेटा? मैंने अपने हाथों से खाना बनाया। नहीं आ सकती। तुम आ नहीं सकती, आना नहीं चाहती? जिमी, मेरे डैडी ये नहीं चाहते कि मैं तुमसे मिलूं। एक बात बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? यस जिमी, I love you. फिर तैयार रहो, मैं आ रहा हूं। रीता कहाँ? तुम्हारी मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? इस सवाल का जवाब लंबा है। अरे जब मैंने जीने की हिम्मत कर ली तो यहां आने में रखा गया है। ये तो एक बुजदिल आदमी का घर है। कहां जा रहे हो? इस घर में एक बेरहम बाप ने उसकी बेटी को छुपा कर रखा है जो मुझसे प्रेम करती है, उसी को लेने आया हूँ। उसे मैं प्रेम करता हूँ और शादी भी करने वाला हूँ। वक्त हो तो आशीर्वाद के लिए आ जाइएगा। आप रीता के पिता हैं, मैं आप पर हाथ नहीं उठाना चाहता। और रीता, रीता तुम इस घर से नहीं जाओगी। मैं जाऊंगी, ये अब मेरा घर नहीं, कैद खाना है। बात दरअसल यह है मिस्टर जिमी कि मुझे अभी इंस्पेक्टर साहब, मैं जानता हूँ सर जी ने वो फोन मेरे सामने किया था। जी प्लीज ऑफिसर, डैडी को इतना कानून बता दीजिएगा कि बालिक लड़कियां भगाई नहीं जाती, वो खुद चाहती हैं किसी के साथ अपनी मर्जी से। बाय द वे, अगले सोमवार हमारी मंगनी हो रही है, आप जरूर आइएगा अपने बाल बच्चों के साथ। आई एम वेरी सॉरी मिस्टर जिमी। नो प्रॉब्लम। तो खुश है ना वहां? आप विजय महल के शेयर की नीलामी होगी, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 6 लाख, 1, 6 लाख, 2, 7 लाख,
ये हरामजादा मुझे मेरे बिजनेस नीचे दिखाना चाहता है। आइए आइए जिमी साहब बैठिए ना। आठ लाख, नौ लाख, दस लाख, पंद्रह लाख, बीस लाख, पच्चीस लाख, तीस लाख, पैंतीस लाख, चालीस लाख, फोर्टी फाइव, पचास लाख, फिफ्टी फाइव, साठ लाख, सिक्सटी फाइव, सत्तर लाख। आप ले लीजिए, यू टेक इट। सत्तर लाख एक, सत्तर लाख दो, सत्तर लाख तीन। ये क्या किया सेठ जी, दस लाख का माल सत्तर लाख में खरीद लिया, यू तो आप बिक जाओगे। जी हाँ, मैं तो यही चाहता हूं कि तुम सड़कों पर नंगे पैर चलो, इसीलिए तो बोली देने आया था। Bastard.
देखी नहीं जाती, मुझे डर लगता है कहीं वो नो बिल्कुल वो देखे सैम सैम ये क्या हालत बना रखी है अपनी, होश में आओ बेटी। होश में आऊं किसलिए? बेइज्जती और जिल्लत बर्दाश्त करने के लिए। Sam is finished, Dad. Your son is dead. बेटे, हिम्मत रखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। Nobody,
कोई मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी दौलत, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी ताकत उस सड़क छाप जिमी ने चकना चूर कर दी है। वो तुम्हारी बेटी को उठा ले गया और तुम कुछ न कर सके, और अब उसकी वजह से तुम्हारा बेटा खत्म हो जाएगा और तुम कुछ ना कर सकोगे। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा बेटे, चाहे मुझे उसकी जान ही क्यों ना लेनी पड़े। कल जिमी एक पार्टी में जा रहा है, लोग उससे इलेक्ट्रिक गिटार बजाने के लिए कहेंगे और वो बजाएगा, और जैसे ही वो इलेक्ट्रिक गिटार को हाथ लगाने वाला होगा, हमारा आदमी जिमी का गिटार का स्ट्रिंग्स 5000 वोल्ट पावर के साथ कनेक्ट करेगा, फिर हमारा दुश्मन उड़ जाएगा। हाउ डू यू लाइक माई प्लान? गुड, आई लाइक इट। हाय। हेलो। हेलो अंकल। हेलो। ये कौन है? ऐसे ही मेरे बेटे की दोस्त है। माँ। अरे क्या है बेटे? माँ तुम भी चलो ना हमारे साथ। तू पागल कहीं का? तू कोई बच्चा है जो हर वक्त माँ की उंगली पकड़कर चलना चाहता है? चलिए ना माँ। जन्माष्टमी की पूजा नहीं होती तो मैं जरूर चलती, तुम लोग जाओ। माँ तुम जीत रहो। हाँ इधर। Come on, let's go. हटो, हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, जिमी साहब आ गए हैं, पीछे हटो। हेलो, हेलो, हेलो जिमी है? वो तो बाहर चला गया है। सुनिए, जिमी जो पार्टी में गिटार बजाने वाला है उसमें करंट है, जिमी को मारने की साजिश है। जी क्या? आज आप लोगों ने इस जगह मुझे इतनी इज्जत दी, ये वही जगह है जहां मैं बचपन में 10-10 पैसे के लिए अपने मास्टर राजू के साथ गाया करता था। जिमी तुम भाग नहीं लोगे, जिमी तुम भाग नहीं लोगे, जिमी तुम भाग नहीं लोगे, जिमी तुम भाग नहीं लोगे। आज मैं जरूर गाऊंगा। कुर्बान होती आई हैं जिमी, और तुम्हारी हालत देखकर उसकी आत्मा को क्या बहुत सुख होगा। लेकिन मैं क्या करूं डेविड साहब?
जो संगीत तुम्हारे गले और तुम्हारी उंगलियों में है उसे दुनिया में बांटते रहो। मैं गा नहीं सकता नबील साहब, मैं देखो जिमी, सब अपनी जिंदगी जीते हैं, अपनी मौत मरते हैं। अगर तुम्हें माँ से इतना प्यार था जितना तुम समझते हो तो उसे मुर्दा ना समझो। वो हर घड़ी तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पास है, उन सपनों में है जो उन्होंने तुम्हारे लिए देखे थे। वो ये चाहती थी तुम्हारा संगीत सितारों की दुनिया में दिल की तरह धड़के, माँ को अपने संगीत में जिंदा रखो, अपने संगीत को अपनी माँ जानो, गाओ जिमी, गाओ जिमी, प्लीज गाओ जिमी। दोस्तों, उस रात मेरी माँ के साथ मेरे संगीत, मेरी आत्मा का कोई हिस्सा जरूर चल गया होगा। इसलिए अगर आप आज के गाने में ज्यादा दर्द पाए, अगर आपको मेरे सुरों की आंखों में आंसू दिखाई दे तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। नहीं, नहीं! सैम, एक खुशखबरी है। जिमी मर गया। ऑलमोस्ट। अब वो कभी नहीं जा सकेगा। उसे गिटार फोबिया हो गया है। गिटार फोबिया? हाँ, यानी कि उसके दिल में गिटार के लिए डर बैठ गया है, क्योंकि गिटार ने उसकी माँ की जान ली थी। अब वो गिटार को कभी नहीं छू सकेगा। और मान लो वो कभी ठीक भी हो गया तो बास्को उसको गाने के लायक नहीं छोड़ेगा। वो साय की तरह उसका पीछा करता रहेगा। खुद अपने जाल में फंस गया।
फेंक दो इसको झाड़ियों में। होने वाले इंटरनेशनल डिस्को कंपटीशन में क्या जिम्मी भाग ले सकेगा? जरूर लेगा, जरूर जीतेगा। क्या आप बता सकते हैं? प्लीज नो मोर, प्लीज एक सवाल और प्लीज। अंकल जी, ये सब अपन लोग चंदा इकट्ठा करके खरीद के आया जिम्मी के वास्ते। तुम उसको हमारे तरफ से बोलो अंकल जी कि उसको अच्छा आना पड़ेगा। आपका बॉम्बे का फुटपाथ का सारा छोकरा छोकरी लोग उसके वास्ते प्रे करता। वो अपन लोग का, अपन लोग के माफिक वो बम्बई के फुटपाथ का होता ना। उसको बोल देगा, उसको तुम लोगों का वास्ता ठीक होना ही पड़ेगा। अगले महीने की 10 तारीख को वो तुम लोगों के लिए जरूर गाएगा। जरूर गाएगा। थैंक यू अंकल। समझ गया बॉस, जिमी नहीं गाएगा और अगर गाएगा तो उसकी जिंदगी का आखिरी प्रोग्राम होएगा। गुड, चेस। आज इस इंटरनेशनल डिस्को डांसिंग कंपटीशन में कई मुल्कों के अच्छे अच्छे डांसर्स अपना कमाल दिखा रहे हैं। एंड Now I bring to you Disco King and Queen from Africa. Thank you.
पेरिस के डांस का मजा लीजिए। Thank you.
मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने कमजोर हो। I hate you, Jimmy. You're a coward. I hate you. I hate you, Jimmy. I hate you. I hate you. कहाँ हम कहाँ तुम हो तुम कहाँ तुम।
कर मेरी जिंदगी
सुना कर सुनाते Thank you.
सी कलीवा।